हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डंजियल ऑफ आइडियाज। तो आज मैं बनाने वाला हूँ 25 फीट इंटू 39 फीट हाउस प्लान। एरिया रहेगा 975 स्क्वायर फीट, जिसमें 3 बेडरूम प्लस 1 पूजा रूम रहेगा। तो मैंने ये हाउस प्लान पहले से ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो ये हो जाएगा इधर आपका ईस्ट, और इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और इधर हो जाएगा आपका साउथ, और ऊपर हो जाएगा वेस्ट। तो इधर मैं ये डोर जहाँ जहाँ रहने वाली है वो डोर मैं लिख देता हूँ कि ये आपकी एक डोर इधर होगी इस बेडरूम की, ये डोर होगी दूसरे बेडरूम की, देन ये बात की हुई बात प्लस फ्लैट, और ऐसे ही पूजा रूम की तरह हो जाए। तो अब डोर के बाद मैं लिख देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी। तो आपका जो एंट्री के जस्ट राइट में रहेगा पूजा रूम, ये आपका इधर किचन रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा पूजा रूम। पूजा रूम हो जाएगा आपका, और इसके बाद इधर ये ड्राइंग हॉल रहेगा, इधर हो जाएगा आपका किचन। एंट्री के साथ ही किचन दे दिया गया है, और इधर हो जाएगा आपका ड्राइंग हॉल या डाइनिंग, जो आपको सूटेबल लगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम, इधर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका ओपन, यहाँ से ओपन, या फिर आप आर्क भी लगा सकते हैं, गेट भी लगा सकते हैं, ये भी ओपन रहेगा। और ये थोड़ा सा ओपन स्पेस रहेगा यहाँ पर, बैटलेस लैट ये कॉमन, और ये हो जाएगा आपका स्टेयर्स, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड बेडरूम, और इधर हो जाएगा आपका थर्ड बेडरूम। तो अब मेजरमेंट की बात कर लेते, तो मेजरमेंट अब मैं लिख देता हूँ। तो आपका जो ड्राइंग और डाइनिंग जो है वो रहेगा आपका 10 फीट लंबाई रहेगी, और चौड़ाई रहेगी इसकी 13 फीट 9 इंचेस, और किचन की रहेगी लंबाई 8 फीट और चौड़ाई रहेगी 8 फीट, तो बेसिकली 8x8। और आपकी एंट्री के बाद जो ड्राइंग रूम रहेगा वो 8 फीट लंबाई और चौड़ाई 9 फीट 4 इंचेस। ड्राइंग रूम को आप एज अ वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो पूजा रूम की जो है लंबाई 8 फीट रहेगी और चौड़ाई रहेगी 6 फीट, और फर्स्ट बेडरूम की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट, और लंबाई भी सेम रहेगी 10 फीट 10x10। और बात की रहेगी चौड़ाई 8 फीट और लंबाई रहेगी 7 फीट 11 इंचेस। स्टेयर्स की लैंडिंग की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3 फीट 6 इंचेस, और स्टेयर्स स्टेप की चौड़ाई रहेगी 3 फीट, और इधर भी 3 फीट 3x3, तो बेसिकली ये इन टोटल एरिया हो गया 6 फीट का चौड़ाई में। ओपन स्पेस की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 7 फीट 7 इंचेस, और लंबाई जो रहेगी वो 7 फीट 11 इंचेस टिल है। तो बेडरूम की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 11 फीट
8 inches और लंबाई रहेगी 11 फीट और थर्ड बेडरूम की जो रहेगी चौड़ाई 12 फीट 11 inches और लंबाई रहेगी 11 फीट। तो ये मेजरमेंट थी पूरे हाउस प्लान की। तो अब मैं आउटर वॉल और इनर वॉल को हाईलाइट कर लेता हूँ और इस पर छोड़ देता हूँ कि कहाँ कहाँ रहने वाली विंडो। तो विंडो हाईलाइट कर लेते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ विंडो है मैं विंडो के लिख देता हूँ विंडो और बाकी जगह मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इधर ये मैं एंट्री लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे वो रहेंगे इसमें 15। तो मैं कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये हाउस प्लान पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसे ही मैं रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा न्यू हाउस प्लान के साथ। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल सेलेक्ट करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू हाउस प्लान के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन।